बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज का ये लाइव सेशन क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है रिसेंटली, बहुत जल्दी में ही, ठीक है, यानी कि टर्म टू का जो एग्जाम है, उसी से संबंधित चार इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें हम विद सॉल्यूशन के देखने वाले हैं। कितने? चार, ठीक है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी का भी हम लास्ट में रिविजन कर लेंगे, यानी कि आपको जैसे पोस्टर होता है, लेटर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नोट मेकिंग, सारी चीजें वो आपको समझा दे जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके जो सैंपल पेपर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 4 से 5 मिनट सैंपल पेपर आपके लिए हुए हैं। चैप्टर वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में जो फुल्ली है वो कवर करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें जो वो हम कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो शुरुआत करते हैं सीरीज में, तो सबसे पहले 11th क्लास का इंग्लिश का जो आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, टर्म टू का, उससे संबंधित एक जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखते हैं। और बेसिकली देखो आपका जो रीडिंग सेक्शन होता है ये आपको सभी को अपने आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक कोई जो चीज है वो आपको इतनी जल्दी से नहीं समझा जा सकती। तो रीडिंग सेक्शन को हम यहीं पे छोड़ते हैं, हम जो सीधा चलते हैं आपका जो देखिए नोट मेकिंग में सबसे आखिरी में आपको समझाऊंगा, उससे पहले जो है हम आपका जो सेक्शन बी है इसको देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में देखो जो आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक पोस्टर लिखना होगा, ठीक है। पोस्टर का कोई भी टॉपिक हो सकता है। अब देखो एक अच्छा पोस्टर आप कैसे लिख सकते हैं उसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है, 100% जो है वो आप किस तरीके से मार्क्स जो है वो लेके आ सकते हैं। तो जब भी आप पोस्टर लिखेंगे तो हमेशा आप 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखें, ठीक है। साथ ही साथ जो लेटर्स हैं जो भी आपका टॉपिक है उसे कैपिटल लेटर में लिखें और उसे अंडरलाइन करें, बॉक्स का यूज करें हमेशा, जो पॉइंट्स हैं उनको हमेशा हाईलाइट करें, इश्यू किसके द्वारा किया गया है ये जरूर लिखें। साथ ही साथ पोस्टर के लिए हमेशा जो है वो आपको स्लोगन या फिर कोई टैगलाइन जिसे आप जो कैपिटल लेटर्स में लिखें और अंडरलाइन भी करें, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे क्या क्या है। जो आपका टाइटल होता है उससे संबंधित आपको सिंबल्स बना सकते हो, स्टार बना सकते हो या कोई बॉक्स भी बना सकते हो। कभी भी जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं उनको यूज मत करो, अगर कोई इवेंट है तो आप उसमें टाइम कोई वेन्यू जो है वो लिख सकते हो। अब जैसे देखो एक टॉपिक था हमारा जो कि आपका सैंपल मैंने उठाया है रोड सेफ्टी वे के ऊपर। अब देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, रोड सेफ्टी वीक, तो हमने कैपिटल लेटर्स में प्लस में अंडरलाइन। अब देखो इस पे संबंधित एक सिंबल बना दिया, अब डेट इस पे हम डालेंगे तो डेट डाल दी। देखो आपको क्या करना है कि आपके जो एग्जामिनर है उनसे आप जरूर पूछ लीजिएगा कि आप पोस्टर में जो है वो जो कलर्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कलर यूज ना करें, क्योंकि इससे जो है वो आपका टाइम वॉस्ट वेस्ट हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। अब एक स्लोगन देख लो, स्लोगन क्या हमने ले लिया कि लाइफ इज प्रीसियस, यानी कि आपकी लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ड्राइव केयरफुली, यानी कि ड्राइव जो ड्राइविंग जो केयरफुली करें। अब एक टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है कि डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, यानी कि जब आप ड्राइविंग करें तो आप मोबाइल फोन को यूज ना करें। अब कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि नेवर जंप अ रेड लाइट, डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, मेंटेन योर व्हीकल रेगुलरली, ऑलवेज कैरी व्हीकल पेपर्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ऑलवेज ड्राइव इन योर लेन एंड यूज प्रॉपर इंडिकेटर्स, यानी कि आप जो है कभी रेड लाइट को जंप ना करें, ठीक है, ड्रिंकिंग करके आप ड्राइविंग ना करें, व्हीकल पेपर्स के अपने पास रखें, जो आपका लाइसेंस है तो उसके अपने पास रखें, अपनी लेन में ड्राइव करें, प्रॉपर जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका यूज करें। तो ये सारी चीज आप इसमें लिख देंगे, किसके द्वारा अब ये बनाया गया है, ठीक है, किसी द्वारा इश्यू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गया आपका एक पोस्टर। अब इस पोस्टर से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका पोस्टर आ जाता है स्टे नॉट टू ड्रग्स के ऊपर, तो हमने क्या किया, एक ये बना दिया इस तरह का कॉटन का एक निशान, ठीक है। अब स्लोगन है कि हेल्थ इज वेल्थ, डोंट बी लेट, ड्रग एडिक्शन ब्रिंग्स एंडलेस मिसिंग एंड रन, एक्ट नाउ इट इज नाउ और नेवर, यानी कि जो ड्रग्स है वो आपको बहुत जल्दी से जो एक तरीके से आपको है एकदम एक तरह से कह सकते हैं खत्म करने के लिए बहुत तेजी से आपको लेके जा रहा है और आपको दुखी बना देगा। अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये आप फिर आप कभी नहीं ले पाएंगे। ड्रग्स में थ्रिल, यानी कि ड्रग्स जो है वो आपको मारते हैं, यानी कि ड्रग्स में थ्रिल वो धीरे धीरे जरूर मारते हैं लेकिन वो आपको मारेंगे पक्का, ये तो है। इसको लेना बहुत आसान है बट इजी टू गेट इन बट डिफिकल्ट टू गेट आउट। अब आपको क्या करना है, सेव लाइफ सेव बी फिल्म इश्यूड बाय डेली पुलिस, तो ये सारे पॉइंट्स जो आप इसमें लिख सकते हैं। और देखो जैसे कुछ स्लोगन्स होते हैं वो आप याद कर लीजिएगा, हेल्थ से संबंधित कुछ स्लोगन आ जाता है तो हेल्थ इज वेल्थ,
एनवायरमेंट से तो कीप योर सिटी क्लीन, गो ग्रीन, सेव वाटर, सेव अर्थ ये लिख देंगे। एजुकेशन से संबंधित है तो कीप योर फ्यूचर ब्राइट, एजुकेट योर चाइल्ड, एजुकेट द वर्ल्ड। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है तो ये लिख देंगे। रोड सेफ्टी के ऊपर है तो लाइफ इज प्रीशियस, टेक केयर, ड्राइव, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे। तो ये तो हो गया आपका पोस्टर मेकिंग का एक छोटा सा फॉर्मेट। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा जो एक आपको और सैंपल पेपर है, इसमें भी देखिए जो आपका एक यहाँ पे जो लिया गया है, हाँ ये देखिए इसमें क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर आपको लिखना है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर आप किस तरीके से लिखेंगे देख सकते हैं। हमने क्या क्या यहाँ पे सिंपल सा कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, हेल्थ इज वेल्थ। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? ये 7 अप्रैल को। योगा इज इंपॉर्टेंट। अब देखो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनके हमने इसमें बेनिफिट्स बता दिए। एक हमने लिख दिया है स्लोगन कि कीप हेल्दी, डू एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज डेली एंड इज बाय डेली डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से अगर योगा के ऊपर आ जाता है या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर आ जाता है तो आप इस तरीके से जो पोस्टर है वो बना देंगे। और भी कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका COVID-19 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो चीज है इसे आप इस तरीके से लिख देंगे। एक स्लोगन है कि अवॉइड रबिंग एंड टचिंग योर आई माउथ और नोज, यानी कि आप जो है अपनी आईज जो है और माउथ और नोज उनको टच ना करें, उनको रगड़े नहीं। इस तरीके से आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं इसे आप एक चाहे तो एक ब्रैकेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, वियरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स ये लिख सकते हैं। योर बिहेवियर कैन चेंज चेंज द वर्ल्ड, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, ठीक है, कैसे कर सकता है ये आप बता देंगे। देयर इज नो स्टिकनेट अनटिल देयर इज नो मेडिसिन, यानी कि तब तक सख्ताई नहीं जब तक दवाई नहीं। इस तरीके से, और किसके द्वारा दिया गया? बाय हेल्थ मिनिस्टर। तो एक तरीके से पोस्टर मेकिंग जो है वो आप इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक पोस्टर मेकिंग और देख लेते हैं हम। देखिए 4 सैंपल बताए आपके, सभी सैंपल पेपर से वैसे जो भी पोस्टर मेकिंग हमने उठाई है उन सभी को हम देख लेंगे। अब देखो जैसे ये वाली पोस्टर मेकिंग है आपकी, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। तो बुक्स क्या होते हैं? बुक्स हमें इन्फॉर्मेशन देती है, बुक्स हमें इंस्ट्रक्शन देती है, बुक्स डिलाइट होती है, इनरिच होती है, यानी कि बुक्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम उसमें जो भी चीजें दी होती है उसको पढ़ते हैं तो हमें काफी खुशी मिलती है। ये चीजें हैं, टेक अ बुक अ डे डोंट डिले, यानी कि आज ही एक बुक लो पढ़ना शुरू करो। इस तरीके से एक कहावत है कि रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट एंड थिंक बेस्ट। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा बोलोगे और अच्छा सोचोगे। योर स्कूल लाइब्रेरी है 10,000 बुक्स, यानी कि आपकी जो स्कूल की लाइब्रेरी है उसमें तकरीबन 10,000 के आसपास बुक्स रखी हुई है। वेन यू आर ग्लूमली ग्लूमी और लोनली, योर बेस्ट फ्रेंड इज अ बुक, यानी कि जब आप दुखी होते हो, जब आप अकेले होते हो, तब आपका सबसे अच्छा जो साथी होता है वो होता है बुक्स। मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, यानी कि जो रीडिंग है उसे आप एक रेगुलर हैबिट के रूप में उपयोग करें। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जस्ट रीड इट। रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन, यानी कि जो रीडिंग्स है वो एक आदमी को रीडिंग मैन बनाती है तरीके से, ठीक है। तो ये चीज जो है आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से जो है एक पोस्टर मेकिंग जो है वो बनानी है, ठीक है। तो चारों सैंपल जो जो टॉपिक थे पोस्टर मेकिंग आपको समझा दी है। अब देखो दूसरा यहाँ पे टॉपिक आएगा आपका कि आपको एक जो लेटर है वो लिखना होगा, ठीक है। तो लेटर यहाँ पे देख सकते हैं, यू आर विवेक एंड बबीता, हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल, राइट अ कंप्लेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ योर इंग्लिश स्कूल टीचर ऑन बिहाफ ऑफ क्लास 11, और ये वर्ड जो आपको नहीं हटाने। इस तरीके से तो इसी में एक और देख लेते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्या पूछा गया है। यू आर मोहम्मद, नहीं, देखो बेसिकली क्या है कि आपका जो अभी टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ किसी अथॉरिटी को, जो स्कूल अथॉरिटी है, ठीक है, स्कूल अथॉरिटी कह सकते हैं या फिर जो कॉलेज अथॉरिटी है, इन्हीं को आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लेटर लिखने। आपको किसी भी म्यूनसिपल पार्टी को, किसी भी कमिश्नर को लेटर नहीं लिखना है। ये सैंपल में जो गलती से इसे उठा लिया गया था तो इसे आप जो है भूल जाइए एक तरीके से, ठीक है। तो एक और है जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर आया हुआ था उसमें पूछा गया था कि यू आर रजनी एंड राजन, ठीक है, यू आर रजनी एंड राजन, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन राइटिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट क्लास 11 एंड 12, गिव डिटेल्ड रीजन टू सपोर्ट योर डिमांड, डू नॉट रिवर्ट। इस तरीके से तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको, हाँ देखो नीचे आते हैं हम, तो सबसे पहले ए को हम देखेंगे, डिबेट हम देखेंगे सबसे बाद में। तो देखो लेटर लिखने का आपके दो फॉर्मेट है, एक तो है कि आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जो डेट होती है 2 से पहले आप चाहे तो डेट भी लिख सकते हैं या फिर नीचे भी लिख देते हैं, आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी लिखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, टू दी प्रिंसिपल ABCD स्कूल। अगर देखो स्कूल की जगह आपको नाम दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका सैंपल पर इसमें आपको नाम दिया हुआ है, नाम है इसमें, नहीं नाम तो नहीं है, चलो कोई नहीं, अगर नाम दे रखा होगा
तो आप लिख देंगे कि SKS नॉर्थ वेस्ट दिल्ली इस तरीके से। कंप्लेंट किसके रिगार्डिंग है? कंप्लेंट है हमारी, कंप्लेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ आवर कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, हिस्ट्री के हैं, हिंदी के। तो इस तरीके से आप देख देंगे जब आपको कंप्लेंट करनी है स्कूल स्कूल के प्रिंसिपल को कि हमारे टीचर का बिहेवियर जो है वो सही नहीं इसके संबंध में। तो देखो सबसे पहले शुरुआत जो है आप किस तरीके से करेंगे, तो लिखेंगे डियर सर या मैडम। यहाँ पे आप चाहे तो रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है रिस्पेक्टेड लिखें क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। रिस्पेक्टफुली आई एम हेड बॉय ऑफ योर एस्टीम्ड स्कूल, मैं आपके आदर्शवादी स्कूल का एक छात्र हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास 11 स्टूडेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन मोस्ट रेगुलरली अबाउट द अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ आवर जो सब्जेक्ट टीचर है उनका नाम। यानी कि मैं जो है आपके स्कूल का हेड बॉय हूँ और मैं आपके स्कूल के हेड बॉय होने के नाते जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से आपका आपको एक लेटर लिख रहा हूँ, वो इसलिए कि इनके जो हिस्ट्री इंग्लिश के जो टीचर हैं उनका बिहेवियर सही नहीं उसके खिलाफ में। इसी ऑफ्टन कम्स टू लेट, यानी कि वो हमेशा लेट आते हैं। मैनी टाइम्स कई बार इसी क्रैक्स अवक्वाड एंड ऑब्सेंस जोक्स विच आई बिलीव दैट इन अप्रिशिएट फॉर स्टूडेंट लाइक अस। यानी कि ये कभी कभी ऐसे जोक्स भी मारते हैं जो कि काफ़ी भद्दे होते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें वो बच्चे के लिए सही नहीं है। समटाइम्स कई बार शी हैज़ बिहेव्स इंटेंसिटली विद स्टूडेंट्स, यानी कि विच इज क्वाइट शेमफुल, यानी कि वो कभी कभी जो है इस तरीके से व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ जो कि काफ़ी शर्मनाक होता है। आई हैव पर्टिकुलरली नोटिस, मैंने ये नोटिस किया है दिस अ फ्यू टाइम्स दैट ही हैज अपीयर्स टू बी लिटिल ड्रंक ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशन आफ्टर द लंच, यानी कि कई बार जो है ये लंच के बाद में वो दारू पी के भी आते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं नशे करके आते हैं तब हमें पढ़ाते हैं और पढ़ाते क्या है वो तो पढ़ाते ही नहीं सिंपल सा। ही एंड हर, यानी कि हिज एंड हर टीचिंग मैथड्स आर नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, यानी कि इनका जो मैथड है वो स्टूडेंट के फ्रेंडली नहीं है। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट हिस्ट्री टीच, यानी कि इसीलिए ये जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसको समझना काफ़ी कठिन हो जाता है। आवर एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आवर इंग्लिश सब्जेक्ट इज नॉट कम्प्लीटेड येट, आवर एग्जाम्स आर ड्यू टू नेक्स्ट मंथ टू इंश्योर एंड द कोर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉटेड कम्प्लीट, यानी कि हमारे एग्जाम जो है इंग्लिश के वो नेक्स्ट मंथ है लेकिन अभी भी हमारे जो सिलेबस जो सिलेबस है हमारा वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। देयरफॉर अब लिखेंगे Therefore, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इन्वेस्टिगेट द मैटर अर्जेंटली सो दैट अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट हिम हर कैन बी टेकन एंड कॉन्सिक्वेंटली आवर स्टडी डू नॉट सफर फॉर हिज रेकलेस बिहेवियर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले की छानबीन करें और हमारे जो टीचर्स है उसको चेंज करें और ताकि हमारी जो स्टडी है वो अच्छे से चल सके। उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू योर सोविडेंटली बबीता एंड हेडबॉय, हालांकि यहाँ पे आपका नाम जो है मैंने हेडबॉय लिखा है तो बबीता की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था विवेक लिखना चाहिए। अब देखो ये तो हो गया इंग्लिश बिहेवियर के ऊपर मतलब टीचर बिहेवियर के ऊपर, अब आपको इंग्लिश की अगर एक्स्ट्रा क्लास लिखवानी है किसी भी सब्जेक्ट की तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सा वही फॉर्मूला अपनाना है, द प्रिंसिपल ABCD स्कूल आगरा उत्तर प्रदेश, जो भी आपको लिखना है। सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश, डियर सर की जगह रिस्पेक्टेड सर मैडम लिख देंगे। रिस्पेक्टफुली आई एम हेड वो सिंपल सा वही लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स टू ड्रॉ योर अटेंशन टू फैक्ट That there is an urgent need for extra classes in English. ये point जो है वो आप सीधा का सीधा easily complete जो है वो मतलब copy भी कर सकते हैं याद भी कर सकते हैं। English is the subject which have caused a lot of difficulty for most of the student of the classes. यानी कि English ऐसा subject है जिसे बहुत से बच्चों को इसमें difficulty आती है। Our examination is coming near but also our English and math. अगर math का आता है तो math भी लिख देंगे, English है तो English लिख देंगे। English subject इज नॉट कम्प्लीटेड यार, यानी कि हमारे जो एग्जाम्स है बहुत ही पास आ चुके हैं लेकिन हमारा इंग्लिश का सिलेबस अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। देयरफॉर इसीलिए वी नीड सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर कम्प्लीटिंग आवर सिलेबस, इसीलिए हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए ताकि हम अपने जो सिलेबस है उसे अच्छे से कम्प्लीट कर सकें। आवर एग्जाम्स आर ड्यू नेक्स्ट मंथ एंड द कोर्स फॉर दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉट येट कम्प्लीटेड, यानी कि हमारे जो एग्जाम्स है वो अगले महीने हैं और अभी तक हमारा जो कोर्स है वो इसका कम्प्लीट नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश वुड हेल्प द स्टूडेंट टू बेटर प्रिपेयर फॉर एग्जाम, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस अगर मिलती हैं तो बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। वी नीड एक्स्ट्रा क्लास सो दैट वी कैन अचीव गुड मार्क्स इन अपकमिंग एग्जाम, यानी कि हमें एक्स्ट्रा क्लासेस अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए भी चाहिए, इसलिए भी चाहिए ताकि हम अपने मार्क्स जो अच्छे से गेन कर सकें। वी ऑल बींग इन हाई डिविजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू फेल और स्कोर लेस इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस मेंशन अबव, यानी कि जो कारण आपको बताएंगे मैं नहीं चाहता कि इन कारण की वजह से मेरे जो मार्क्स हैं वो एग्जाम्स में कम हैं। प्लीज कंसीडर इट इज एन अर्जेंट नीड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड स्टूडेंट्स 12th स्टूडेंट्स इंग्लिश
एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। थैंकिंग यू योर फेथफुली या फिर ओबीडियंटली राजन हेडवर्ड, सिंपल सर। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि आपको जो लेटर है वो किस तरीके से लिखना है। अब देखो इसमें एक आपकी थी डिबेट, डिबेट क्या है इसमें, पहले दूसरी बात देखते हैं। डिबेट आपको लिखनी है मोबाइल फोन गून और अ बैन, ठीक है, इसके ऊपर आपको डिबेट लिखनी है। तो देखते हैं डिबेट आप कैसे लिखेंगे। डिबेट की जो एक लाइन है वो आप सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, इसे आप जरूर लिखिएगा कि हॉनरेबल प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टूडे आई एम हेयर। आई एम की जगह पे मतलब एम के बाद में चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। आई एम हेयर टू प्रेजेंट माई व्यूज अगेंस्ट द मोशन मोशन मोबाइल फोन्स अ बून और अ बे, ठीक है। ये हो जाएगी जब आप डिबेट जो है वो अगेंस्ट में लिख रहे हो, और जब आप डिबेट जो है मोशन में लिख रहे हो तब कैसे लिखेंगे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टूडे आई एम हेयर प्रेजेंटेड माई व्यूज ऑन फेवर ऑफ द मोशन मोबाइल फोन अ बून और अ बे, ठीक है। आपको दोनों में नहीं लिखना है, आपको या तो फेवर में लिखना है या फिर अगेंस्ट में लिखना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक है यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो फायदे से ज्यादा नुकसान कर रही है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम है आपका सभा प्रवीण और प्रवीण कुमार। तो देखो जब भी आपको यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब देखो जैसे ये टॉपिक आ जाता है ऑनलाइन गुड जो ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित, तो आपको अगेंस्ट में अगर लिखना है, ठीक है, तो अगेंस्ट के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये पॉइंट देखिए मैंने सारे के सारे लिखे हुए, पॉइंट भी लिखे हुए और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है ये भी लिखा हुआ है। तो इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा इजी तरीके से, ठीक है। और वही बात करें हम आपकी, अगर इसको आपको फेवर में लिखना है तो फेवर में आप सभी जो है ये पॉइंट्स इजीली लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे जो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना है, चाहे आप फेवर में लिखें चाहे आप मोशन में लिखें, सॉरी अगेंस्ट में लिखें। अब बात कर लें वहीं पे जो ये वाला टॉपिक है मोबाइल फोन्स फोन और बैन, तो इससे संबंधित देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हर एक लाइन पे मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं बेसिकली आपको यहाँ पे करने क्या आए हैं हम कि क्विक रिवीजन करने के लिए आए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एग्जाम किस तरीके से आने वाला है। अब अगर आपको इसको फेवर में लिखना है तो फेवर में देख सकते हैं ये सभी के सभी पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, उसके बाद सबसे आखिर में लिख देंगे थैंक यू वेरी मच। और एक पॉइंट जो है वो आप जरूर लिखना, कौन सी, एक सेकेंड, हाँ देखो विद दिस नोटिस आई वुड लाइक टू एंड माई व्यू, सबसे आखिर में एंड थैंक यू वेरी मच, सिंपल सा। तो इस तरीके से डिबेट वाला आपका जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो, एक सेकेंड, एक डिबेट और है क्या हमारी, नहीं वो तो एक ही जैसी एक है। तो अब देखो रीअरेंजिंग सेंटेंसेस आएंगे आपके 4 मार्क्स के, तो वो भी हम देख लेते कौन कौन से हैं, ये भी है और इसमें भी है, एक सेकेंड, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस कहाँ गए हमारे, हाँ ये रहे। देखो ये आपका सैंपल पेपर नंबर जो फर्स्ट है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो रीअरेंजिंग सेंटेंसेस हैं इसमें, ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। अब इनको किस तरीके से आपको वर्णित करना है, यानी कि एक तरीके से कैसे इनका फॉर्मेशन सही लाइन में लगाना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। बात करें दूसरे सैंपल पेपर की तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाले हैं, इन सभी को आपको क्या करना है, और जो सैंपल पेपर्स हैं उनमें इस तरीके से लाइन में लगा देना है, सिंपल सा। और आगे देख लें तो यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसमें ये सारे के सारे जो है अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, ये आपसे पूछे गए थे, तो इन सभी को आपको कर। देखो सेंटेंस जो है वो आपके कंप्लीटली एक जैसे नहीं आएंगे, बट हाँ याद रखिएगा कि सेंटेंस जो है वो आपको जो है अरेंज करने के लिए भी आ सकते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए भी आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो करता है मतलब जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको आपको कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट के पास में, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के पास में ले जाना है, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो और बीच में लगा देंगे बाय दी, जैसे कि द यंग पीपल विच वॉच द IPL सीरीज इन द स्टेडियम, तो कैसे लिखेंगे, द IPL सीरीज इज वॉच्ड बाय द यंग पीपल इन द स्टेडियम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द पुलिसमैन हैज अरेस्टेड द थीफ, तो लिखेंगे द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिसमैन, माई मदर परचेस्ड अ न्यू कार, अ न्यू कार वाज परचेस्ड बाय मदर, एक सेकंड, द इंजीनियर्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट सून, यानी कि द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट बाय द इंजीनियर सून। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को कंप्लीट कर, ठीक है। तो रीअरेंजिंग सेंटेंसेज जो थे वो भी यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। अब सेक्शन सी की अगर हम बात करें लिटरेचर पार्ट की, तो लिटरेचर वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को। तो सेक्शन सी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया और एक ये हो गया। तो देखो बेसिकली क्या है, सेक्शन सी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा इसमें आपको 2 मार्क्स के आपके 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको किन्हीं मतलब 6 पूछे जाएंगे लेकिन आपको 4 जो 5 है उनके उत्तर लिखने हैं।
अब देखो क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में समझाए हुए हैं, ठीक है। आप चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे एक आपको वीडियो मिल जाएगी कि आप किस तरीके से जो है सभी चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं देख सकते हैं, तो उन सारी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें मेरा आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने का मकसद है कि आपको एक क्विक रिविजन जो है वो किस तरीके से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट, यानी कि जो टिबेटियन मास्टिफ्स थे, जो खुखार जानवर थे, कुत्ते थे, वो किस तरीके से वहां पे क्यों फेमस थे। तो हंटिंग डॉग्स के लिए फेमस थे, साथ ही साथ उनका जो यूज था वो वॉच डॉग्स के रूप में किया जाता था, और वो इतने तरीके से इस तरह से बात करते थे जैसे उनको कोई पास में आता था, तो वो एक्सप्लोर करते थे इस एक्शन में कि जैसे बुलेट जो होती है उस तरीके से तेज भागते उसी तरीके से, एंड वो इस तरीके से भौंकते थे, इस तरीके से चिल्लाते थे, यानी कि आवाज निकालते थे अपने बड़े बड़े जबड़ों के साथ में जो कि काफी खतरनाक होते थे। दे आर कम्प्लीटली फियरलेस, यानी कि वो पूरी तरीके से निडर थे, और कोई भी अगर उनके पास बंदा आता था तो उसे मार गिराते थे इस तरीके से। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम बी हैज बीन डेप्लेटेड। तो सबसे पहले आपको बताने के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो एक है फिशर्स है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, एंड क्रॉपलैंड्स हैं। दे फॉर्म ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसके ये जो यानी कि अर्थव्यवस्था के फाउंडेशन है, यानी कि उसकी एक नींव है। दे सप्लाई फूड फॉर अस, यानी कि हमें सप्लाई करते हैं फूड, साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उनको कच्चा मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन दुखी पूर्वक दे आर बीइंग डेप्लेटेड एंड इट इज बीइंग डन एट वेरी फास्ट रेट, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक तरीके से खत्म होने के कगार पे, और ये तेजी से खत्म भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे इजीली। थर्ड में क्या है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाल्ट विटमैन पोएम। तो सेंट्रल आइडिया क्या है वाल्ट विटमैन पोएम का, तो देखो द पोएट वाज कन्वेड टू द वर्थ ग्लोर चेंज एंड द फाइनली द ब्लेसिंग्स ऑफ द रेन, यानी कि जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि बारिश का जन्म, उसका विकास, और किस तरीके से फाइनली वो खुशी देती है रेन धरती को, लोगों को, उसके बारे में बताया गया। इट इज वाटर, यानी कि वो वाटर है दैट टर्न्स इनटू क्लाउड्स, बादलों में जाता है, वंडर्स इन स्काई, जो आसमान इसमें घूमता है, टेक्स ऑन स्ट्रेंज शेप्स, बहुत सारी शेप्स में बट जाता है, बट फाइनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर ही रिटर्न्स टू द अर्थ, यानी कि लेकिन फिर वापस से पानी के रूप में वापस आ जाता है धरती पर। इट प्योरीफाइज, वो प्योरीफाई करता है नहाने के पानी को, और जो सुंदरता होती है, जो पृथ्वी की सुंदरता होती है उसे और अच्छा बना देता है। उसके बाद कि देन डज इट ड्यूटी माइंड अनमाइंडफुल ऑफ एनी रिकॉग्नाइजेशन, कि वो बिना किसी स्वार्थ के अपने इस कर्तव्य को निभाते रहते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स है उसे इसे एक लेसन सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हमें किस तरीके से बारिश की तरह अपने जो व्यक्तित्व है उसको संभालना चाहिए। चाइल्डहुड इज एन इसेंशियल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर डिस्कस। तो देखो बेसिकली क्या है कि चाइल्डहुड जो है वो एक ऐसी एज होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक बंदा होता है उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। द ह्यूमन इन्फेंट, जब जो आदमी है, जब वो एक तरीके से बच्चा होता है, वो टोटली दूसरों पर डिपेंड होता है, लेकिन जब वो चाइल्डहुड में आता है, जब वो इन्फेंट से चाइल्डहुड में आ जाता है, तब उसके अंदर फिजिकल, इमोशनल और जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसकी, वो थोड़ी सी बढ़ने लगती है। एंड द टिनी बेबी ग्रोस बिगर इन अ साइज, और जो छोटा बच्चा होता है वो जल्दी से बड़ा होने लगता है, और उसके जो अदर फैसिलिटीज होते हैं, फैकल्टीज होते हैं उसके माइंड की, आसपास की, वो भी क्या होती है विकसित होने लगते हैं। दिस स्टेज इन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन मैन्स ग्रोथ बट इट कांट गो ऑन फॉरएवर, यानी कि व्यक्ति के विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कभी भी वापस नहीं आती। तो ये सारी चीज में बताई गई है। उसके बाद है डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विद डोरिस। तो डोरिस के साथ में क्या इंसिडेंट्स हुआ था उसे आपको समझाना है। तो डोरिस इज शॉक्ड टू फाइंड हर मदर स्मोकिंग व्हेन ही कम्स होम, यानी कि जब डोरिस जो है वो वापस घर आती है और देखती है कि मेरी माँ जो है स्मोकिंग कर रही है, तो ये वो काफी चौंक जाती है, ठीक है। शी ऑर्डर्स हर टू मर्डर प्री पियर टी, यानी कि माँ से बोलता है माँ मेरी आप चाय बना के रखा, लेकिन मिस पियर्सन ने ऐसा नहीं किया, एंड ये जो चेंज था उसके लिए काफी एक तरीके से कह सकते हैं समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। डोरिस शी गोज टू हर रूम फाइंड हर दैट येलो ड्रेस हैज नॉट बीन आयरन, यानी उसने देखा कि मेरी पीली ड्रेस भी इन्होंने आयरन नहीं की है, चाय भी नहीं बनाई है, तो एक तरीके से माँ को डांटने के लिए एक तरीके से बोलने ही जा रही थी। जैसे ही वो बोलने जा रही थी उसकी माँ ने उसके वर्ड को सुना, पियर्सन ने, उसको रिप्लाई करते हुए कहा बहुत ही एक तरीके से गुस्से पूर्वक कि डोरिस अब तुम बड़ी हो रही हो, डोरिस बींग अ ग्रोन अप शुड बी वर्क ऑन हर आवन, यानी कि तुम्हारा काम तुम्हें खुद करना चाहिए। अबव दैट सी मेक्स फन, उनका जो डोरिस है उसका फ्रेंड था चार्ली स्पेंस, तो उसका जो मजाक बनाते हुए कहते हैं कि ये ऐसे हिरन दांत वाले बच्चे के साथ कभी भी ना जाओ डेट पे, ऐसा कुछ। उसके बाद सबसे आखिरी है कि व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन, हाउ फार डू यू एग्री विद। तो आइंस्टीन्स के क्या व्यू है एजुकेशन के ऊपर, तो क्या क्या है कि आइडियाज आर इंपॉर्टेंट बट
फैक्ट इज नॉट मैटर, ही कंसिडर लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स एंड डिटेल्स अबाउट विक्टोरियस आर्मीज मीनिंगलेस। यानी कि आप जो है डेट्स को पढ़ाते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं, ये सभी जो वो मैटर नहीं करते, इंपॉर्टेंट नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि साइंस में किस तरीके से देश विकास कर रहा है इसको देखें, साथ ही साथ एक जो सोल्जर है वो किस तरीके से दूसरे सोल्जर को मारता है, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ना कि इतिहास पढ़ना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और वहीं आगे हम देख लें अगला, ये जो वाला आपका क्वेश्चन था, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके सेम है कि हाउ हुआ दैट, जो एक सेकेंड, हाँ, आज के जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से डेप्यूटेड हो रहे हैं, ये हमने देख ही लिया है। व्हाट इंप्रेशन डिड द टू टाउन्स होर एंड अर्चन, तो इसको हम देख लेते हैं क्या क्या है कि, तो होर वाज अ स्मॉल टाउन क्लोजर टू मानसरोवर लेक, होर क्या है, एक छोटा सा टाउन है मानसरोवर लेक के पास में। इट वाज मिजरेबल प्लेस विद नो ग्रीनरी, यानी कि एक ऐसा प्लेस है जो दुखदाई है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई घास नहीं है, हरियाली नहीं है। द ऑथर फाउंड द प्लेस इज कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट्स ही हैड रीड दैट महासरोवर, सॉरी मानसरोवर, यानी कि वो देखता है कि मैंने जो मानसरोवर लेक के बारे में जो चीज पढ़ी थी वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। ही ड्रंक सम हर्बल टी इन कैफ देयर, द ऑथर स्नैक हाफ, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उसने जो जड़ी बूटी वाली चाय थी वो यहाँ पे पी थी, क्यों, क्योंकि उसे जुकाम था, जुकाम कैसे, यहाँ पे ठंडी लग रही थी ऐसा कुछ। तो जब मतलब दिन का आधा टाइम हो गया तब वो गया डार्चिन में। इट वाज ऑल्सो डस्टी प्लेस, एक तरीके धूल वाला प्लेस था, जहाँ पर विद हीप्स ऑफ रबल एंड लिटर लाइंग हेयर एंड देयर, यानी कि बहुत सारे कूड़े करकट वहाँ पड़े हुए थे, ढेर बहुत सारे जगह फैले हुए थे। इस कोल्ड हैज बिकम रोश एंड कुड नॉट बी ब्रीथ, यानी कि उसका जो जुकाम था, जो उसका ठंड थी, वो और ज्यादा बढ़ गई और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर उसने क्या किया वहाँ पे, जो एक तरीके से कह सकते हैं उस टाउन में जो दुकान थी, मेडिकल शॉप्स, वहां से चाइनीज जो सामान बेचती थी उनसे अपना मेडिकल, एक तरीके से कह सकते हैं मेडिसिन ली और अपनी दवाई खाई और वो ठीक हो गया। फिर ये चीज उसके बाद है कि वट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाल्ट व्हिटमैन पोएम, तो क्या सेंट्रल आइडिया है वाल्ट व्हिटमैन पोएम का। तो बेसिकली वही चीज आपको यहाँ पे फिर से बताने दी है कि द पॉइंट वॉन्ट टू कन्वे बर्थ, वही चीज सेम की सेम है और इसी को आप यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है द पॉइट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड वाइफ, तो देखो द पॉइट मार्कुस नितेन बिलीव दैट हर हिज, यानी कि बिलीव दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि वो अपना बचपन खो चुका है। ही बिलीव्स क्योंकि ही हैज लॉस्ट द इनकन्वीनियंस एंड प्यूरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी कि वो जो एक मासूमियत होती है, एक पवित्रता जो होती है, वो उसकी अब खो चुकी है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, ही यूज्ड टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंसेस ऑफ हेल एंड हेवन, यानी कि स्वर्ग और नरक के बारे में वो उसको सारी बातें जो थी मानता था। ही ऑल्सो बिलीव दैट अडल्ट एंड रियल लव इन हिज चाइल्ड हुड ही डोंट हैव एनी एगोस्टिक एटीट्यूड, यानी कि वो जो लव था उसके बारे में बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता था, उसे सब कुछ रियल लगता था और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एटीट्यूड एगोस्टिक वाला, घमंडी वाला एटीट्यूड नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विद डोरिस। अब देखो फिफ्थ क्या है, सिक्स है हमारा, व्हाई डिड मिस्टर ब्राउन स्कॉल्ड यंग आइंस्टीन, तो मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टीन को क्यों डांटा, तो मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर स्कॉल्ड यंग आइंस्टीन बिकॉज ही डिड नॉट रिमेंबर, यानी कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, ना ही तो उसे डेट्स याद रहती थी हिस्ट्री की, और अगर याद भी नहीं रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर क्या करता था, एनोइड यानी कि उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, एजुकेशन के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट देता था। ठीक है, और वो कहता था कि जो डेट्स हैं और जो इवेंट्स हैं ये सभी, इन सभी के बारे में पढ़ना मीनिंगलेस है, इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बनता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सैंपल वन नंबर हमारा जो ऑफिशियल था उसको देखें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ डज द रेन जस्टिफाई कॉल आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो रेन कैसे कहते हैं कि वो अर्थ की पोएम है, तो द रेन नरेटस, यानी कि जो जो रेन है वो नरेटस, मतलब कि बारिश जो है वो नरेटर से इनका आपस में बातचीत चल रही होती है, तो द रेन नरेट्स द जर्नी ऑफ इट्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू रिटर्न टू ओरिजिन इन मिथिकल टर्म्स, यानी कि जो रेन होती है वो अपने जन्म को, अपने लाइफ की साइकिल को इस तरीके से बताती है कि वो एक ऐतिहासिक चीज है। ठीक है, द फैक्ट्स आर साइंटिफिक, और ये साइंटिफिक भी है, बट द फेराज दैट कन्वे दे आर मेटाबॉलिक एंड लिटरेसी, यानी कि जो एक तरीके से सिर्फ आपको ये समझाया गया है कि बारिश जो है उसकी जर्नी, उसकी लाइफ, उसका जन्म, उसकी ड्यूटी, उसका जो किस तरीके से वो घूमती है वापस से वापस आ जाती है, तो ये एक हिस्ट्री भी है, साइंटिफिकली ये प्रूफ भी है, और ये एक जादू भी है एक तरीके से कह सकते हैं, और ये लोगों को खुशी देने वाली भी चीज है, तो इसलिए जो देन है वो कहती है कि आई एम पोएम, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। सेकेंड क्या है कि विच अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू नानी पालकी वाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, तो कौन सा प्रोग्राम है, तो अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू नानी पालकी वाला ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड दैट
द मूवमेंट ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस द वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्वेंस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक नीड्स एंड विटल प्रोसेस दैट नीड अटेंशन बिकॉज द अर्थ बिटी विटल साइंस रिवील इट्स डिक्लाइन हेल्थ। यानी कि जो नानी पालकी वाला है वो कहते हैं कि आंदोलन जो है उसने मानव जाति की कल्पना को पूरी तरीके से जकड़ लिया है और जो विश्वव्यापी चेतना है वो पृथ्वी के प्रति चल पड़ी है और ये एक स्वयं जीवित है और साथ ही साथ जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उन पर ध्यान देती है, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है ये इसका एक कारण है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि नानी पालकी वाले के अकॉर्डिंग कौन कौन सा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, अ टर्म रिमूव हैज बीन यूज्ड टू कॉन्टेस्ट एट ऑफ द स्कूल मेंशन इन द स्टोरी द ब्रॉमिंग वर्जन, व्हाट डज इट मीन। यानी कि इसके बारे में आपको समझाने की आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन अ पीपल इज प्रमोटेड टू हायर क्लास, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पीपल्स हैं उनको हायर क्लास में किस तरीके से भेजा जाता है, ये चीज यहाँ पे समझ, सिंपल एक ही लाइन में इसका आंसर है। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड पोएम में कैसे जो लेखक उसे पता चलता है कि वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने वाला बंदा है। तो देखो आंसर लिखेंगे, द पोएट डिस्कवर्ड दैट ही हैज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कुड थिंक इंडिपेंडेंटली। यानी कि वो ये देखता है कि अब जो है वो लोगों से थोड़ा अलग सोच सकता है। ही कुड हैव हिज ओन ओपिनियंस विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स। यानी कि वो जो है वो अपने खुद के विचार लोगों के सामने रख सकता है बिना किसी से प्रभावित हुए। दिस डिस्कवरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम एज इट रिवील्ड टू हिम हिज एबिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन टेकिंग। यानी कि ये जो उसकी खोज थी उसने उसे इंडिपेंडेंट बना दिया था और जो एक निर्णय लेने वाला व्यक्ति है आसानी से एक ऐसा बंदा उसे बना दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे है, हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग कम्फर्ट टू एल्बर्ट्स लाइफ। उसके बाद है, वट डज मिस फिट्ज़गेराल्ड एडवाइस टू मिस्टर पियर्सन आफ्टर शी हैड पुट बैक टू फैमिली मेंबर्स इन देयर प्रॉपर प्लेस सिग्निफाई। तो सबसे पहले एल्बर्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखो, एल्बर्ट वॉज हैविंग अ बैड टाइम स्कूल बिकॉज ही वॉज सपोज टू क्रैम फैक्ट्स विच इज हैड नो स्टडी। यानी कि सिर्फ वो फैक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो उसे अच्छे नहीं लगते थे पढ़ने में, जो टीचर्स थे वो हमेशा उसे टॉन्ट करते थे, उसे पनिश करते थे, और जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे कोई कम्फर्ट नहीं था, इसीलिए वो बहुत दुखी था और इसी दुखी वजह से उसने म्यूजिक को अपना जो है एक अच्छा दोस्त बना लिया इस तरीके से। अब देखो, मिस फिट्ज़गेराल्ड जो है वो मिस पियर्सन से ये कहती है कि आपको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना है अपने परिवार के प्रति और अपने जो एफर्ट्स हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना है। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली के बिहेवियर के लिए जो है एक तरीके कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारा एटीट्यूड हमारी फैमिली के प्रति एक सॉफ्ट रहता है तो लोग जो है वो हमारे सर के ऊपर चढ़ने लगे, यानी कि वो हमसे हमारी बात नहीं मानते, हमसे काम करवाते हैं। और अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा तो हमारी बात भी मानेंगे और अच्छे से अपना खुद का काम भी करेंगे। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन पेपर के भी हमारे खत्म हो गए क्वेश्चन। अब सेक्शन जो हमारा सीधा इस वाले क्वेश्चन के देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि व्हाट डज अ नोटिस दैट द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। तो देखो, देयर इज नो एनिमल इन द केज, यानी कि उस पिंजरे में कोई भी एनिमल नहीं था बल्कि उस पिंजरे में एक शीशा था जहाँ पे एक व्यक्ति खुद को देख सकता। इट मेक्स वन रियलाइज दैट द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नन बट मैन हिमसेल्फ विच इज वेरी ट्रू। यानी कि जो लुसाका जाम्बिया में जो चिड़ियाघर है वहाँ पे एक जो पिंजरा है उसमें कोई जानवर नहीं है बल्कि उसमें एक शीशा है। वो ये बताता है कि शीशे में जो भी देखता है वो खुद को, मतलब जब एक आदमी खुद को देख सकता है तो वही एक ऐसा जानवर है जिसने पूरी दुनिया को, मतलब जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। और आदमी अपने आप को ऐसा लेकिन नहीं मानता है क्योंकि जो मैन है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया किसको, फॉरेस्ट को, हमारे फिशर्स को, हमारे ग्रासलैंड को, हमारे क्रॉपलैंड्स को। ही हैज मेड, इसने बहुत सारी स्पीसीज को इस तरीके से जो है वो दुर्लभ प्रजातियां बना दिया, बहुत सारी प्रजातियों को मार दिया, ये चीज बताई गई है। थस द मिरर इन द केज सिग्निफाइज मैंस क्यूटली एंड थॉटलेस। यानी कि जो मिरर है वो ये बताता है कि आदमी जो है, इंसान जो है वो सोच नहीं सकता, उसकी सोचने की शक्ति खत्म होती जा रही, वो क्रूर है, वो अन्यायी है इस तरीके से। तो फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड है, व्हाट व्हाई डिड आई मेक दैट टेंशन, व्हाट एक्सप्लेन डिड राजेंद्र गिव टू द प्रोफेसर। तो देखो, राजेंद्र जो है वो गेस्ट दैट द ट्रांजिशन मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय सम इंटरेक्शन, परहैप्स द प्रोफेसर हैड बीन थिंकिंग एट द टाइम ऑफ कोलेशन अबाउट कैटाफोरिक थ्योरी एंड इट्स रोल इन वॉश। द प्रोफेसर एडमिटेड
दैट ही हैड बीन वंडरिंग दैट एट द टाइम कॉस हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द मराठास हैव वॉन द बैटल्स इन पानीपत। तो ये आपका एक जो चैप्टर है उससे लिया गया है, यानी कि जो लेखक है वो ऐसा क्यों कहता है कि संक्रमण किया गया है। ठीक है, तो राजेंद्र अनुमान लगाता है कि संक्रमण जो है वो किसी एक बातचीत की वजह से उत्पन्न हुआ है। शायद प्रोफेसर जो है वो इस सिद्धांत से जो है युद्धों मतलब कि ये जो सिद्धांत है वो युद्ध की भूमिका के बारे में बता रहा है। ठीक है, और प्रोफेसर ये स्वीकार कर लेता है कि उस समय जो थे वो इससे काफी अचंभित थे कि अगर मराठा जो है पानीपत की लड़ाई को जीत जाते हैं तो इतिहास का मोड़ क्या होगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई थी। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ वाज मिस पियर्सन डिफरेंट फ्रॉम मिस फिट्ज़गेराल्ड, यानी कि मिस पियर्सन जो मिस फिट्ज़गेराल्ड से किस तरीके से डिफरेंस है। तो मिस पियर्सन वाज अ प्लीजेंट वॉरेड प्लीजेंट बट वॉरेड लुकिंग वुमेन इन हर फोर्टीज। मिस फिट्ज़गेराल्ड वाज ओल्डर हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। मिस पियर्सन वाज सॉफ्ट स्पोकन विद अ टच ऑफ सुबर्नम वाइल्ड व्हाइल मिस्टर फिट्ज़गेराल्ड हैड अ डीपर वॉइस इन द सेशन। यानी कि जो मिस पियर्सन है वो काफी चिंतित महिला है और मिस फिट्ज़गेराल्ड जो है वो काफी मतलब थोड़ी सी उनसे बड़ी है और थोड़ी हैवियर है, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी है। मिस पियर्सन जो है वो सॉफ्ट भाषा बोलती है, थोड़ी एक कह सकते हैं जो विनम्र भाषा होती है वैसी भाषा बोलती है, और जो फिट्ज़गेराल्ड है वो एक आयरिश भाषा होती है उस लैंग्वेज को बोलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए डी है देयर इज अ पैलर ड्राउन बिटवीन रेन एंड द म्यूजिक विच वर्ड इंडिकेटेड दिस एक्सप्लेन दिस सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। तो वो कौन कौन सी लाइन है उन सभी को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डिड द स्पीकर लर्न अबाउट द एक्सटिंक्स द हेल एंड हेवन। तो देखो एज द स्पीकर ग्रो ओल्डर ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, यानी कि जैसे जैसे जो लेखक है वो जैसे जैसे स्पीकर जो है वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर एक रीजनिंग पावर आ जाती है। ही राइट दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन एनी ज्योग्राफी बुक्स और एटलस, यानी कि वो देखता है कि स्वर्ग और नर्क जो है वो कहीं पर किसी बुक्स में ज्योग्राफी की नहीं पाए गए हैं। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनी वेयर इन द वर्ल्ड मैप, यानी कि वो कहीं पर भी किसी वर्ल्ड मैप पे भी नहीं, जो निशान है वो भी नहीं है। ही कंक्लूड दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो देखता है कि ये जो है वो नहीं है। ही वुड बिलीव ओनली, उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज विश्वास होता है जो उसने देखा है, जो उसने खोजा है, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिरी प्रश्न है हु वाज जो मार्जन। ठीक है, हु वाज जो मॉर्गन व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू। तो मॉर्गन कौन है, वो एक ड्रिलर है काफी बेंडली माइनिंग टाउन में। ही एंड हिज वाइफ सुजैन वर मैरिड नियरली 20 ईयर्स एंड नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग हिज फर्स्ट चाइल्ड। ही वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू फॉर द हेल्प सुजैन इन डिलीवरी ऑफ दिस चाइल्ड। तो इस तरीके से आप इसके आंसर लिख देंगे। तो बेसिकली दो दो मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो सभी के सभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब देखो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं क्या करने वाला हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसका आंसर दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिविजन करने के लिए आए। तो देखो बड़े बड़े क्वेश्चन में सबसे पहला है कि what idea do you form of Taflo after reading the play Brahmin version। ठीक है, तो वो क्या आइडिया लगता है हमें जब हम ब्रह्मिन वर्जन को पढ़ते हैं टेफ्लो के बारे में, तो वो पूरा का पूरा आंसर जो है वो आप यहाँ पे इतना लिख देंगे। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एफर्ट्स दैट एंड्रयू मेड इन द ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी बैक टू हिज लाइफ। तो वो क्या क्या एफर्ट्स हैं, उन सभी एफर्ट्स को आप जो है वो यहाँ से इजिली इन सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आगे के जो आपकी वीडियोस हैं सिलेबस की उसमें इजीली आपको समझाया हुआ है, तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पे भी टेफ्लो के बारे में वही क्वेश्चन है और हाँ इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं हम एक सेकेंड। हाँ ये वाला सैंपल को देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें है कि एंड्रयू विजिट टू मॉर्गन गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड नॉट अचीव अर्लियर जस्टिफाई, यानी कि जो मॉर्गन है उसे अभी तक वो खुशी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था जो एंड्रयू से देने जा रहा था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये है इसका एक कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इसे आप इजीली पढ़ लीजिए और इसका आंसर जो है वो आप लिख देंगे। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि द नरेटर इन ट्रेवलेज सिल्क रोड रियलाइज दैट द स्नो वॉज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटीफुल जस्टिफाई, यानी कि वो देखता है कि जो हमारा सिल्क रोड का यात्रा वृतांत है उसमें जो बर्फ है वो काफी खतरनाक भी है और काफी ब्यूटीफुल भी है, तो वो किस तरीके से है, तो उसे जो है वो आप इन पॉइंट से पॉइंट के माध्यम से जो है एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पेपर देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें देखिए सबसे पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टीन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन
विच इज स्टेट टीचर, इज मैथमेटिक्स टीचर एंड हिज द हेड टीचर। तो क्या क्या कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जो आइंस्टीन्स हैं वो ट्रुथफुल बच्चा है, यानी कि ट्रुथफुल स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी जो गलतियां होती है उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मान लेता है। हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि ये इसे फैक्ट्स फिगर्स ये सभी याद नहीं रहते हैं। साथ ही साथ जो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं वो कहते हैं इसे कुछ पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसे सब कुछ पता है। हेडमास्टर कहते हैं कि अल्बर्ट को जो है जब स्कूल में होता है तो इसे पढ़ाना काफी खतरनाक, मतलब जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसे स्कूल से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से अल्बर्ट जो है बेसिक से थोड़ा विद्रोही था लेकिन वो हमेशा एक अच्छा बच्चा था। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिफिकल्टी डिड द एनकाउंटर ऑथर एंड ओवरकम व्हेन ही सेट आउट टू रीच माउंट कैलाश, यानी कि जब माउंट कैलाश पे जाता है तो माउंट कैलाश के दौरान उस जो चढ़ाई के दौरान से कौन कौन सी जो डिफिकल्टीज है उसका सामना करना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले कौन कौन सी यहाँ पे आती हैं, जैसे रॉक्स हो गया, स्नो एंड हाइट प्रॉब्लम्स होगी, टिबेटन मास्टिफ डॉग्स हो गए इनके बारे में है, जो स्नो होती है उसके बारे में है, डाचिन जो था वो जो थी इसके बारे में है, उसका जो सिकनेस थी माउंटेन जाने की वो जो उसकी बीमारी थी वो भी बढ़ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पेपर हमारे चार के चार हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम इसके आपकी नोट मेकिंग के बारे में देख लेते हैं कि नोट मेकिंग में जो है वो आपको किस तरीके से लिखना है। तो देखो नोट मेकिंग का एक सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाता हूँ। देखो नोट मेकिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, जो आसान आपकी नोट मेकिंग है उसको निकालता हूँ और फिर मैं आपको सारे पॉइंट्स जो है वो इजीली तरीके से समझाता हूँ। तो नोट मेकिंग के लिए हम हाँ ये वाला टॉपिक हमारे लिए अच्छा है। तो देखो नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका नोट मेकिंग के लिए जो पैरा आया हुआ है आज जब आप उसे पढ़ेंगे तो बेसिकली देखो आपको 10 से 15 मिनट पहले जो है आपका एग्जाम होता है उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आपको एक नॉर्मल सा टाइटल आपको पता चल जाएगा कि हमारा टाइटल क्या हो सकता है। ठीक है, अब जो टाइटल आपको पता चलेगा तो हर एक पैराग्राफ में से आपको एक एक नोट उठा लेना है। ठीक है, पैराग्राफ बेसिकली देखिए आपके जो है 5 से 6 पैराग्राफ आएंगे तो आप जो है 2 पैराग्राफ से 1 सेंटेंस, मतलब कि 2 पैराग्राफ से 1 पॉइंट और 2 पैराग्राफ से 1 पॉइंट, इस तरीके से 3 पॉइंट आप लिख देंगे, यानी कि नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो पॉइंट्स क्या हमने बनाए हैं कि दिल्ली के बारे में, दिल्ली अ मेजर सिटी फॉर पेडेस्ट्रियन, यानी कि दिल्ली जो है वो एक तरीके से जो पैदल यात्री चलने वाले व्यक्ति हैं उनकी एक मेजर सिटी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो है मेजर सिटी क्यों है, किन किन लोगों के लिए, ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। तो सारे सारे पॉइंट्स जो है वो आप इस तरीके से लिख देंगे, लाइफ इन दिल्ली फॉर सिटीजन, यानी कि दिल्ली की जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ बहुत फास्ट है, पुअर पब्लिक मैनेजमेंट है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो अथॉरिटीज हैं वो चीज है, अनकाउंटेबिलिटी है, और भी सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। एब्रीवेशन आप लिख देंगे जैसे कि मेंट का मेंटेनेंस है, इलेक्ट का इलेक्ट्रिकल है, मैनेजमेंट का मैनेज है, अथॉरिटीज का ऑथ है, चिल्ड्रन का चाइल्ड है, इस तरीके से आप एब्रीवेशन लिख सकते हैं। एक समरी लिखना चाहे तो समरी इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल जो है वो काफी ईजी है, उसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हाँ ये वाला थोड़ा आपका जो एग्जाम्पल है वो काफी ईजी है क्योंकि इसमें देखो आपके ये 5 पॉइंट हैं और ये 5 पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी की सारी चीजें जो वो टेलीविजन के ऊपर दी गई है। आप टेलीविजन के ऊपर जब आप लिखेंगे तो सिंपल सा टाइटल लिख देंगे द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं टेलीविजन के उसके बारे में लिखेंगे। तो देखो इम्पैक्ट भी है बेनिफिट्स भी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बेनिफिट के बारे में, तो बेनिफिट्स क्या होगा कि एक सेकेंड, हाँ हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अपने बारे में और वर्ल्ड के बारे में। इसमें हाई क्वालिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसे हम देख सकते हैं। इसमें कई सारे फील्ड्स होती हैं जैसे साइंस होगी, मेडिसिन, आर्ट्स, इन सभी को हम देखते हैं। ओल्ड पीपल जो है और जो पेशेंट्स होते हैं वो जो घर से बाहर नहीं जा सकते उनको ये देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉन नेटिव स्पीकर्स यानी कि वो व्यक्ति जिनसे हम कभी मिल नहीं सकते हैं, जो भारत में कहीं भी फैले हुए होते हैं तो उनको हम जो घर बैठे देख लेते हैं, हमारी वोकेबली पावर बढ़ती है और जो लिस्टिंग पावर है वो भी हमारी बढ़ती है। तो ये बेनिफिट्स हैं टीवी के। उसके बाद हमने क्या क्या डिसएडवांटेज लिख दिए, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, अगर आप ज्यादा देर तक देखते हैं तो आपकी आइज पर इफेक्ट पड़ता है, आपका जो ब्रेन है वो है डैमेज हो सकता है, जो आपका जो मतलब आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, आपकी सोचने की शक्ति कम हो सकती है, आप जो वॉयलेंट बन सकते हैं और आपका जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा सा बदल सकता है। बात करें टीवी के जो इफेक्ट्स है उसके चिल्ड्रन की, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज है, गेट्स यूज टू वॉयलेंस है, लॉस का डिस्करेक्शन अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीजें। एब्रीवेशन INC का मतलब होता है इंक्रीज, नो का मतलब होता है नॉलेज, लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, टीवी का मतलब टेलीविजन, डिफ्ट का मतलब डिफरेंट।
ये सारे पॉइंट्स जो वो आप यहाँ पे इजीली लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समरी लिखनी है। तो समरी बहुत ही अच्छे से लिख देंगे कि टेलीविजन व्यूइंग इज अ बोथ सॉरी बोथ बोन एंड बेन। इट इज एन इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन, इवन ओल्ड पीपल एंड जो पेशेंट इज ऑफर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स। यानी कि वो व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए क्या अभी काफी अच्छा हमारे लिए मनोरंजन का भी साधन है। वट इज हैज ऑल्सो टू बेस्ट साइड, कौन सी बेस्ट साइड है, ही ड्रेन्स आवर ब्रेन एंड एनर्जी एंड केयर्स पुअर्स कंसंट्रेशन इन स्टूडेंट्स। यानी कि हमारी एनर्जी को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी जो सोच नहीं सकते उसे प्रभावित करता है। वॉयलेंट सोर्स ऑफ्टन लीड टू वॉयलेंट बिहेवियर इन रियल लाइफ अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड अडल्ट। यानी कि जो विद्रोही वाले एक तरीके से कैसे लड़ाई झगड़े वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लोगों को, बच्चों को काफी प्रभावित करते हैं, उन्हें वॉयलेंट बना देते हैं। पीपल ऑफ्टन गेट टू टच इट विद टीवी शोज एंड एक्टर्स दैट दे आर अनेबल टू डिफरेंट बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। यानी कि टीवी के माध्यम से जो शोज होते हैं उसमें और जो रियल लाइफ में जो हीरो होते हैं उनके माध्यम से, मतलब आप रियल में देखते हैं और जो चीज़ आप टीवी में देखते हैं उसमें फिर आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं डिफरेंस नहीं कर पाते, ये चीज़ है। ठीक है, थस टीवी कैन बी हेल्पफुल टू ओनली दोज पीपल हु केयरफुली चूज द सोर्स। यानी कि टीवी जो है वो उन्हीं के लिए काफी अच्छे जो अपने सोर्स होते हैं उनके अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हर एक पैराग्राफ में से, ठीक है, मान लीजिए ये आपके दो पैराग्राफ है, इन दो पैराग्राफ में कहीं ना कहीं जो है एक इम्पैक्ट में दे रखा होगा। ठीक है, मतलब कि एक माइनस इम्पैक्ट में होगा, एक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट में होगा बेनिफिट्स के बारे में। और जो आप यहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे उन्हीं पॉइंट से संबंधित आप एक समरी बना देंगे इस एम जोड़ की, सिंपल सा इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारी नोट मेकिंग भी खत्म हो गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, पैराग्राफ भी, पोस्टर भी, सभी कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे हम एक और चीज अब देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका जो चैप्टर नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, द एलियन प्लेनेट, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट सपोर्ट द टाइटल ऑफ द एलियन प्लेनेट। मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द नोटिस दिस वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। तो वो क्या चीज है उसके बारे में लिख देंगे। हाउ आर दी अर्थ जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके से, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो है वो किस तरीके से डेप्लेटेड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ये बता देंगे। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस, डिस्कस इस तरीके से। एंड द लास्ट, वाई डिड द ऑथर एग्री दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इस तरीके से आप इसका आंसर भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 जो था द एजिंग प्लैनेट, इसके बारे में सभी पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, अगला जो टॉप चैप्टर है आपका द ब्राह्मिक वर्जन। तो द ब्राह्मिक वर्जन से कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहला बनेगा, वाई डिड क्रॉकर हैरिस नॉट डिस्क्लोज रिजल्ट लाइक दी अदर टीचर्स। उसके बाद, वाई डस टेप्लो एग्री विथ फ्रैंक इन कॉलिंग क्रॉकर सैडिएस्ट। उसके बाद थर्ड है, वट डू यू गैदर अबाउट मिस्टर फ्रेंक फ्रॉम दी प्ले। एंड देन फोर्थ है, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। एंड उसके बाद है, राइट द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच अबाउट फ्रेंक हंटर रिगार्डिंग द प्ले द ब्राह्मिंग वर्जन। एंड सिक्स क्वेश्चन है, वट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ टेप्लो आफ्टर रीडिंग द प्ले। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख देंगे इजिली। और इस तरीके से आपका जो ये वाला भी चैप्टर था इसके भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। अगला देख लेते हैं, तो अगला चैप्टर है हमारा सिल्क रोड। अब सिल्क रोड चैप्टर नंबर 8 है हॉर्नबिल का, इससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल सिल्क रोड गिव रीजंस, यानी कि आर्टिकल जो आपका चैप्टर का नाम जो है वो सिल्क रोड ही क्यों पड़ा है, इसके संबंध में जो रीजन है वो बता दिए। टिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट, इस चीज को आपको समझा देना है। तो किस तरीके से जो पॉपुलर थे वो बता देंगे। नोरवू कौन है और नोरवू के साथ में किस जो ऑथर था उसने किस तरीके से एयू लिख देंगे, ऑथर जो था उसने कैसे दोस्ती की इसके बारे में बता देंगे। फोर्थ है, व्हाट इंप्रेशन डिड द टू टाउन्स सोल एंड डाचन लीव ऑन द ऑथर्स माइंड। तो इन सभी पॉइंट के बारे में आप लिख देंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आंसर को मैंने अच्छी तरीके से एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है, तो उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, फिफ्थ है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर एनकाउंटर एंड ओवरकम व्हेन ही सेट आउट टू रीच माउंट कैलाश। उसके बाद है, द नरेटर इन ट्रेवल सिल्क रोड रियलाइज दैट द स्नो वॉज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटिफुल जस्टिफाई। तो इन सभी पॉइंट्स को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है।
अब देखो आपकी जो पोयम है, पोयम है थर्ड द वॉइस ऑफ द रेन। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाल्ट विटमैन्स पोयम। तो कौन क्या आइडिया है सेंट्रल वो देखेंगे। हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम पोयम दी ऑफ अर्थ। उसके बाद व्हाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ इंपेलेबल। उसके बाद देयर आर टू वॉइसेस इन द पोयम हु डू दे बिलोंग टू विच लाइन इंडिकेटेड दिस जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द वॉइस रेन। उसके बाद देयर इज अ पैरेलल ड्राउन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक विच वर्ड इंडिकेटेड दिस एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन टू। देन उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था ये कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन जो थे। अब आ जाता है हमारा अगला वाला जो सेकेंड है, मतलब फोर्थ है हमारा द चाइल्डहुड। ये पोएम है हमारी। तो चाइल्डहुड पोएम से सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम चाइल्डहुड। ठीक है, ये चीज लिख देंगे। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा उसके बारे में देखते हैं। अगला है द पोएट सेज दैट हिज चाइल्डहुड हैज गोन सम फॉरगॉटन प्लेस व्हाई। देन थर्ड है द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हाई। एंड फोर्थ है व्हाई डिड स्पीकर लर्न अबाउट द एक्सटेंसेस ऑफ हेल एंड हेवन। एंड फिफ्थ है व्हाट इज पोएट्स फीलिंग टुवार्ड्स चाइल्डहुड। एंड इंपॉर्टेंट है अगला वाला चाइल्डहुड इज एन एसेंशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर डिस्कस। तो इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा जो चैप्टर नंबर फोर है फर्स्ट स्नैपशॉट का अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सबसे पहला है व्हाट इज आइंस्टीन व्यू अबाउट एजुकेशन हाउ फार डू यू एग्री विद इट। उसके बाद है हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग कंफर्ट टू एल्बर्ट्स लाइफ। फिफ्थ है व्हाई डिड मिस्टर ब्राउन इज कॉल्ड यंग आइंस्टीन। फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टीन नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद हिज हिस्ट्री टीचर हिज मैथमेटिक टीचर एंड द हेड टीचर। फोर्थ हो गया। फिफ्थ है द स्कूल सिस्टम ऑफ्टन कवर्स इंडिविजुअल टैलेंट डिस्कस कॉन्टेस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। एंड इस तरीके से हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आगे देखिए अब है स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर फाइव मदर्स डे। तो मदर्स डे से हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला है डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विथ डोरिस। उसके बाद है हाउ वाज मिस्टर मिस पियर्सन डिफरेंट मिस फिजगार्ड। उसके बाद व्हाट इज एटीट्यूड टुवर्ड जॉर्ज जॉर्ज ऑफ मिस पियर्सन। एंड फोर्थ है व्हाट डज द मिस फिजगार्ड एडवाइस टू मिस पियर्सन आफ्टर शी हैड पुट बैक इन द फैमिली मेंबर्स इन देयर प्रॉपर प्लेस सिग्निफाई। एंड इस तरीके से ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब देखते हैं सबसे आखिरी चैप्टर जो है आपका द बर्थ, यानी कि बर्थ है चैप्टर सेवन है। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि हु वाज जो मागन व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मॉन्सन। एंड उसके बाद है व्हाट इज योर इम्प्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बींग। एंड डिस्क्राइब द एफर्ट डेट एंड्रयू मेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टिल बॉर्न बेबी बैक टू लाइफ। तो वो कौन कौन से एफर्ट से जो लगाए थे एंड्रयू ने उसके बच्चे के सांस लाने के लिए। एंड्रयूज विजिट टू मॉर्गन गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड नॉट अचीव अर्लियर जस्टिफाइड। तो इसे आपको जस्टिफाई करने किस तरीके से करेंगे? व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मॉन्सन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी बर्थ। तो बर्थ स्टोरी के आधार पर आपको समझाना है ये सारे पॉइंट्स। तो इस तरीके से जो हमारा आज का ये जो वीडियो था इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए हैं और चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए हैं और किस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझाने थे वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझा दिए हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा एक घंटे का ये जो महा एपिसोड था वो यहाँ पे खत्म होता है। एंड आई होप कि आप सभी को आज की जो वीडियो थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो आई होप गाइस कि आज की ये जो वीडियो थी वो आपको कंप्लीटली और अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इसे ऑल बेल पे सेट कर लीजिएगा। ये जो आता है ना ऑल बेल वाला, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सारी की सारी आप तक पहुंचेंगे। और यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं आपसे संबंधित बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड है। देखिए यहाँ पे एक वीडियो भी मेरी प्रीमियर चल रही है, 20 जो बच्चे हैं वो वॉचिंग कर रहे हैं, इसे देख भी रहे हैं। ठीक है, एक घंटे पहले मतलब एक दिन पहले इंग्लिश का हमने सैंपल पेपर डाला था तो तकरीबन 2000 बच्चों ने देख लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1500, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली चैनल पे आते हैं
और वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। तो हम बात करें आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मिलेगा इंग्लिश का, ये वाला, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। तो एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं, ऑलवेज सेट कर दिया। हाँ, अब देखो यहाँ पे जैसे चैप्टर फाइव है आपका द एलियन प्लेनेट, चैप्टर सिक्स है द ब्लूमिंग वर्जन, चैप्टर एट है सिल्क रोड, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्ड हुड, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मदर्स डे, बर्थ और हॉर्नबिल के स्नैपशॉट के 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो इन सभी वीडियोस को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और भी कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक सैंपल पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे कि आपके जो प्ले जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उससे संबंधित देखिए कितने यहाँ पे सैंपल पेपर अपलोड है। देखिए एक ही बार में देख सकते हैं, सैंपल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल 4 सैंपल पेपर आपके इंग्लिश के अपलोड है। बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल में 1, 2, 3, 4 4 सैंपल पेपर आपके पॉलिटिकल के अपलोड है और अभी दो दो सैंपल पेपर आपके और आने बाकी है। ठीक है, हिंदी के 3 है और मतलब हिस्ट्री के 3 है, हिंदी के 4-5 है, ज्योग्राफी के आपके 5-6 हैं, फिजिकल के आपके 6-7 है, होम साइंस के 2-3 है। तो अभी और भी सैंपल पेपर आपके आने बाकी हैं। मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको यही बताना है कि आप जो है इन वीडियोस को पूरा देखें, अच्छे से देखें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। और भी अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देखनी है तो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी और इंग्लिश, इंग्लिश के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे टर्म 2 का सिलेबस देखना है तो विधायक मतलब पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, हिंदी है, चैप्टर वाइज टर्म 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी एंड ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।